नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता है आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207722। आज लगभग 500 वर्षों के बाद जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वही नगर पंचायत के पूरब पोखरा पर विद्युत झालरों से जगमग सफेद दूधिया रोशनी से नहाया हुआ। पोखरे पर नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल की पहल से 1100 दीप जलाया गया और पोखरे की सीढ़ियों को जगमग किया गया। सौंदर्यीकरण हुए पूरब पोखरे पर दीपों से जगमग घाट अपने आप में एक छटा बिखेर रहे थे, जैसे लग रहा था कि प्रभु श्री राम की महिमा मंडल से पूरा नगर पंचायत रोशनी से नहाया हुआ है। नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल ने बताया कि आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर नगर के पूरब पोखरे पर विशेष सजावट के साथ ही 1100 दीपक चलाए गए हैं। यह प्रभु श्री राम के गर्भगृह में विराजमान होने की खुशी है। उन्होंने कहा कि लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है, इससे बड़ी खुशी जीवन में और क्या हो सकती है। नगर पंचायत अकोलिया के पूरब पोखरा पे दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, यहाँ सभी जनता और सभी लोग उपस्थित हैं, उसके बारे में। जैसा कि आप पूरा देश और पूरा विश्व और हमारी नगर की जनता जान रही है, आज 22 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन के दिन श्री राम प्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की नगरी में किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में नगरवासियों की तरफ से और सबके सहयोग से यहाँ 1100 दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और ये बहुत ही गर्व की अनुभूति है सभी नगरवासियों के लिए, इस देश के सभी हर एक व्यक्ति के लिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया था कि 5 दीप अपने घर पर जरूर जलाएं, सारा सरकारी भवन में जलाएं, मंदिरों में जलाएं, सरोवर के पास जलाएं, तो उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी प्रसिद्ध ये पोखरा है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, और इस मंदिर का भी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्माण भी कराया, थोड़ा सौंदर्यीकरण भी कराया गया है इस 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में। इसलिए कुछ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय द्वारा एक शासनादेश जारी हुआ था स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत, रोस्टर जारी हुआ था कि निकाय के अंदर जो भी मंदिर है उनका विशेष सफाई अभियान कराया जाए, तो उसका डे बाई डे सफाई अभियान कराया जा रहा था। और स्पेशल माननीय अध्यक्ष जी को मंत्री जी द्वारा एक पत्र भी आया था कि सभी मंदिरों में प्रकाश की व्यवस्था की जाए, तिरंगा लाइट की व्यवस्था की जाए। उसका 2 दिन पहले ही माननीय अध्यक्ष जी द्वारा निकाय कर्मचारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया था और निर्देशित करके तत्काल सभी मंदिरों में लाइटें लगाई भी गई है। आज नगर पंचायत के पूरे पोखरा पे दीप जलाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। आज श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हमारे नगर पंचायत की तरफ से पूरब पोखरे पर 1100 दीप का नगरवासियों द्वारा प्रज्वलित किया गया, इसके लिए हमारे नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई।